मेरी सूचना ये कि अक्षय तृतीया पर बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपने घर का पुराना गोल्ड ले जाते हैं और उस गोल्ड को देते हैं और बदले में नया गोल्ड लाते हैं, या कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि पुराना गोल्ड ले जाते हैं और कुछ पैसे और मिला के नया गोल्ड ले लेते हैं। लेकिन ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना आप। जो आपके घर में पुराना गोल्ड है वो तो आपके घर की बरकत है, पहले का आपका लिया हुआ है। वो पुराना सोना बेच रहे हो आप अक्षय तृतीया वाले दिन, दे रहे हो उनको और पैसे देकर या बदले में दूसरा सोना लेकर आ रहे हैं, जिसकी एनर्जी अभी तक आपको पता नहीं है कि वो हमें फलेगा या नहीं फलेगा। पर पुरानी चीज़ आपके घर से जा रही है, वो भी ऐसी चीज़ जिसके हमें कई गुना अधिक फल मिलते हैं, सोना चांदी अच्छी चीज़ें। तो प्लीज़ आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि कोई भी पुरानी चीज़, अपना पुराना गोल्ड सिल्वर ये उस दिन बेचना नहीं है। आप जो भी कुछ खरीदेंगे एकदम फ्रेश नया गोल्ड खरीदिए। अगर नहीं ले पाते हैं तो आप सिल्वर के बर्तन, चांदी के बर्तन, जैसे मतलब स्टील के बर्तन, ये सब ले सकते हैं। और भूल कर भी आपने इस दिन प्लास्टिक, लोहा, एल्यूमिनियम, ठीक है, ऐसी जो चीज़ें होती हैं, हो सके तो तांबा और पीतल ये भी मत खरीदिए। स्टील ले सकते हैं, सिल्वर ले सकते हैं, गोल्ड ले सकते हैं, और ये भी नहीं ले सकते हैं तो आटा और चावल इस दिन जरूर अपने घर में लेके आइए। जय श्री महाकाल।